अगर डॉक्टर सुधीर गुप्ता सही है, उनके लिए इतनी मीडिया लड़ रही है कि 25 सालों का एक्सपीरियंस है, इतने हाई प्रोफाइल केस लड़े हुए हैं, उनकी फाइंडिंग्स पर कोई कैसे शक कर सकता है। तो चलो मान लिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट सही है, मानते हैं, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड क्यों हुए? क्यों डॉक्टर सुधीर गुप्ता किसी के फोन नहीं उठा रहे हैं? क्यों डॉक्टर सुधीर गुप्ता कहाँ है किसी को पता नहीं? क्यों डॉक्टर सुधीर गुप्ता का फोन ही स्विच ऑफ हो रहा है? क्यों कल ट्विटर पर इतना ट्रेंड करने के बावजूद अभी तक सुधीर गुप्ता की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया? और क्यों एजेंसीज ने सुधीर गुप्ता से पल्ला झाड़ दिया? एम्स ने कह दिया सुधीर गुप्ता के स्टेटमेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जो फाइंडिंग्स थी वो हमने सीबीआई को दे दी है, जो भी आखिरी बात होगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो सीबीआई करेगी। सीबीआई ने कह दिया कि हमने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, जब भी कुछ डेवलपमेंट होगा हम करेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ भी एंगल हमने रूल आउट नहीं किया है। तो अब सारी क्वेश्चन मार्क्स की जो सुइयां है वो सिर्फ और सिर्फ सुधीर गुप्ता पर आकर रुक जाती है कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो चैट्स लीक की गई, उन चैट्स को लीक करने के पीछे का मोटिव क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर सुधीर गुप्ता चाहे तो सामने आकर मीडिया को क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है और हो सकता है कि काफी मीडिया उनको कांटेक्ट भी कर रहे होंगे। इनफैक्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता उसी मीडिया की मदद ले सकते हैं जिस मीडिया को उन्होंने वो मैसेज लीक किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर सवाल उठे। वो मीडिया, जाहिर सी बात है, उनके ऊपर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इतना बड़ा एहसान किया है, रिपोर्ट लीक की है, अपने करियर को प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो सुधीर गुप्ता अगर अपनी तरफ की कुछ बात कहना चाहे तो वो मीडिया उन्हें मदद करेगा। लेकिन तब जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, सब लोग डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बात सुनना चाह रहे हैं कि आखिर ये फाइंडिंग्स आई कैसे, इसके पीछे की डिटेल्स क्या है, ऐसे में सामने आने के बजाय डॉक्टर सुधीर गुप्ता तो गायब ही हो गए। कल विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील है, उन्होंने कहा कि सुधीर गुप्ता तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और आज कई सारे लोगों ने सुधीर गुप्ता तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि सुधीर गुप्ता का तो फोन ही स्विच ऑफ है। क्यों डॉक्टर सुधीर गुप्ता मर्डर की जगह सुसाइड अनाउंस करके अब गायब हो गए हैं? क्यों अब सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों चुप है? अगर उन्होंने सही रिपोर्ट दी है, अगर वो कहते हैं कि उनकी ये रिपोर्ट फुल एंड फाइनल है, कंक्लूसिव है, तो फिर सामने आके यही बात कहने में क्या दिक्कत है?